क्या आप लोग भविष्य के एक और मजेदार सफर के लिए तैयार हो? आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और इन अदर वर्ड्स फ्यूचर में एआई का डेवलपमेंट फेस क्या रहेगा, यही आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपनी टाइम मशीन को आगे ले जाएं, हम कुछ साल पीछे चलेंगे जिसमें हम एआई के साथ होने वाली पास्ट डेवलपमेंट और उनसे होने वाले इफेक्ट्स को जानेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शॉर्ट में एआई के पास्ट डेवलपमेंट को बता पाऊं। तो चलिए चलते हैं 2007 में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काई ली ने इमेज नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने इंटरनेट पर अपलोड की गई इमेजेस पर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कंप्यूटर्स इमेजेस की मदद से ऑब्जेक्ट को पहचानने लगे। इसमें उन्होंने अप्रोक्स 1 बिलियन इमेजेस का डेटा मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया था। उस टाइम के इंजीनियर्स और एआई डेवलपर कंपनीज का मानना था कि हमारी मशीन्स भले ही बहुत स्मार्ट हों, लेकिन वो अभी भी अंधी हैं। यानी ये मशीन देख नहीं सकती, वो इमेजेस में कोई फर्क नहीं बता सकती जैसे कि हम इंसान बता सकते हैं। और 2015 के टेड टॉक्स के एक शो में काई ली ने एक्सप्लेन किया कि वो इन 8 सालों के अंदर बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट लेकर आ चुके हैं। और इसी टेड टॉक्स में उन्होंने इसे एक्सप्लेन करके और इसका डेमो देकर भी बताया, जिसके बाद वो कंप्यूटर्स ना सिर्फ उस इमेज के ऑब्जेक्ट्स को पहचानने लगे बल्कि उस इमेज में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताने लगे थे। यानी जैसे वो इस इमेज को देखकर ये बता सकते थे कि इसमें एक आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है। हालांकि अभी भी उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल डेमो था कि मशीन्स अब इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने में सक्षम हैं, जैसा कि हम इंसान हैं। 14 फरवरी 2016 इस डेट को सोफिया, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और अक्टूबर 2017 ये पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बनी जिसे किसी देश की सिटीजनशिप दी गई थी। यानी अक्टूबर 2017 को उसे सऊदी अरब की नागरिकता मिल गई थी। वहीं 2017 में ही गूगल आईओ इवेंट में, जिसमें वो अपने टेक्नोलॉजी का डेमो देते हैं, उन्होंने बताया कि उनका गूगल असिस्टेंट स्पीच रिकॉग्निशन के मामले में हर दिन डेवलप हो रहा है। 2016 की डेटा के मुताबिक गूगल असिस्टेंट के स्पीच एरर को 8.5% से घटाकर 4.9% कर दिया गया है। अभी हम 2019 में हैं, तो सोचिए अब घटकर कितना कम हो गया होगा। यानी अगर अब आप गूगल असिस्टेंट से कुछ भी पूछते हो, तो अगर आपका प्रोनंसिएशन थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, तो गूगल असिस्टेंट अपने आप समझ जाती है कि आप क्या बोलना चाहते थे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट 2.0, विच मीन्स टीपीयू 2.0 के बारे में बताया, जो कि स्पेशली मशीन लर्निंग के लिए बनाई गई चिप है जिसे गूगल अपने लिए इस्तेमाल करता है। वहीं 1 मार्च 2017 की बात है, मॉरिस कॉन्टी ने दुनिया को इंट्यूटिव एआई के बारे में बताया, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी के हिसाब से बेहतरीन डिजाइन बनाने में केपेबल था। ये एआई सिस्टम आज मौजूद कई डिजाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और ये ड्रोन्स के डिजाइन से लेकर एरोप्लेन्स के नए डिजाइन को भी बना सकता है। गूगल ने अपने आईओ इवेंट में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करके दिखाया था। क्या आपको पता है कि गूगल असिस्टेंट आपके लिए किसी और से बात कर सकती है, और वो भी ज्यादा एंगेजमेंट के साथ, और वो आपके लिए अपॉइंटमेंट खुद कॉल करके सेट कर सकती है, जो कि उन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया था। यानी गूगल असिस्टेंट ये समझ सकती है कि आप क्या कह रहे हो और उस बात की फीलिंग क्या है। वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन की तरह आपसे बातें करेगी और उसी तरह से रिएक्ट भी करेगी जैसे आप किसी और इंसान से बात करते वक्त करते हो। यानी जैसे आप किसी इंसान को अच्छा बोलो तो वो खुश हो जाता है, उसी तरह अगर आप गूगल असिस्टेंट से बात करते वक्त उसकी तारीफ करोगे तो वो खुश होकर आपको रिप्लाई करेगी। हालांकि अभी भी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, और 2018 में गूगल ने अपने टीपीयू को और भी एडवांस करके टीपीयू 3.0 को इसी साल लॉन्च किया, और ये टीपीयू 2.0 से 8 गुना ज्यादा पावरफुल है, जो कि लगभग 100 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड देता है। पेटाफ्लॉप्स
किसी कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म करने की स्पीड को बताता है। वेल, अभी गूगल असिस्टेंट के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करना भी बाकी है, लेकिन फिर भी ये एआई आज के लेवल पे ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल अभी तक के बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर्स गूगल के ही हैं, और मैं जानता हूँ कि आप गूगल असिस्टेंट से कितना प्यार करते हो। मेरे कई दोस्तों ने गूगल और सीरी को प्रपोज भी कर रखा है। वेल, आपने गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी से सबसे अजीब सवाल क्या पूछा है, ये बात नीचे कमेंट करके तो जरूर बताना। वेल, अगर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इसका मतलब कि आप बहुत समझदार हो और आपको टेक्नोलॉजी और साइंस में वाकई में दिलचस्पी है। लेकिन अगर आप नहीं समझे और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार कर लो, हम आपको साइंस में एक्सपर्ट बना देंगे। वेल, इन बीते कुछ सालों में एआई अपने रीसेंट डेवलपमेंट फेज में है, और ये सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर कोई बुनियादी समझ नहीं होती। भले ही वो इंसानों से ज्यादा अच्छे जवाब दे सकती है, लेकिन ये मशीन्स अपने खुद के फैसले नहीं ले सकते। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने एआई को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है, और हम हर साल एआई के लिए मोस्ट पावरफुल प्रोसेसिंग चिप बनाना नहीं बंद करने वाले। तो अब हम अपने फ्यूचर डेकेड की बात कर लेते हैं, यानी 2020 से 2030 की। शायद आपने बॉटसन डायनामिक का नाम तो सुना ही होगा। ये वो टीम है जिन्होंने एक रोबोट को बिल्कुल नए तरीके से डिजाइन किया है। इनके रोबोट अपने डायनामिक एक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इट इज द मोस्ट डायनामिक रोबोट यू हैव एवर सीन। ये लगभग असली जानवरों की तरह बिहेव करता है। ये बैलेंस करने जैसे टास्क में माहिर है। अगर आप इसे गिराने की कोशिश करोगे तो ये अपने आप को बैलेंस कर लेगा, और इसे एक नेक्स्ट जनरेशन रोबोट कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए हमने इसे 2020 से 2030 के बीच में रखा है। अगर आप जानते हो इलॉन मस्क को, तो आप शायद ये भी जानते होंगे कि उनकी दो ऐसी कंपनी हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, यानी वो किसी भी तरह से पैसा नहीं कमाती। वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए बनाई गई हैं, और उनके नाम है न्यूरल लिंक और ओपन एआई। जिसमें अगर हम ओपन एआई की बात करें तो ये एक डेवलपमेंट फेज में है। इस कंपनी की खास बात ये है कि ये कंपनी दुनिया के सबसे सेफ और फ्रेंडली एआई गैजेट्स बनाने पर काम कर रही है। अभी इसके बारे में कुछ खास सुनने को नहीं आया है, क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूरा लिंक की, तो इलॉन मस्क का मानना है कि इन फ्यूचर हम इंसान मशीन से ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन स्लो वर्क करता है, सो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो एआई पर कंट्रोल कर सके। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे दिमाग को कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए कोई भी इंसान बार बार अपना ऑपरेशन नहीं करा सकता, और बिना दिमाग के अंदर गए हमें ब्रेन एक्टिविटी का पता लगाना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। वेल, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ब्रेन आउटपुट में स्लो है, और हम इंसानों के इंटरफेस भी तेज आउटपुट के लिए नहीं बने हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम मोबाइल से इंटरेक्ट करते हैं, तब स्क्रीन में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, और फिर हमें अप्रॉक्स 1 सेकंड लगता है उसको समझने में और स्क्रीन को टच करके मोबाइल को ये बताने में कि हमें अगला कमांड क्या देना है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौरान, क्योंकि आपका दिमाग ईईजी मशीन्स की मदद से डायरेक्ट उस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, तो आपको सिर्फ अपने मन में सोचना है और फिर आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल से इंटरेक्ट कर पाओगे, और वो भी सिर्फ 0.2 से लेकर 0.5 सेकंड में, जितनी जल्दी आप डिसीजन ले पाओ। अभी प्रेजेंट में ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन 2020 से 2030 के इस दशक में हम इस टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लेंगे। अगर प्रेजेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये करीब 1 सिंबल पर सेकंड की स्पीड देता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इंसानों पर इस्तेमाल करने से पहले किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे भी पहले हमें इसमें मौजूद कमियों को भी खत्म करना होगा, क्योंकि ये मशीन सीधा हम इंसानों के दिमाग से जुड़ेंगी। ये टेक्नोलॉजी मे बी आने वाले टाइम्स में मोबाइल फोन्स को भी एलिमिनेट कर दे, क्योंकि फिर इसकी जगह स्मार्ट ग्लासेस या फिर स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज ले लेंगे,
और शायद आप भी हमारे चहीते टोनी स्टार्क की तरह दुनिया को देख पाओगे। 2030 के लास्ट में एआई डेवलपमेंट की वजह से अमेरिका की 50% जॉब्स जा चुकी होंगी। अब शायद ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि तब तक शायद इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जा चुका होगा। कुछ स्मार्ट प्रोफेशनल्स का मानना है कि इस टाइम तक हम कुछ दूसरी नई टाइप की जॉब्स क्रिएट कर लेंगे, लेकिन फिर भी 1 बिलियन जॉब्स को क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स तब भी खाली रहेंगी जो कि 30-40% हो सकती हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्रेन कंट्रोल डिवाइसेस मे बी हम नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकें जो कि मशीन्स को डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं और मशीन्स हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगी। लेकिन एडवांस से एडवांस डिवाइस भी हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना पाएगा और ना ही वो हमें क्रिएटिव बना सकता है। अब एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स भी ज़रूर सामने आएंगी। प्राइवेसी इशू, इन फ्यूचर आपकी प्राइवेट लाइफ या उसमें कोई भी प्राइवेसी होगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके इस्तेमाल का या आपके घर का हर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहेगा और कंपनीज अपने फायदे के लिए आपके डेटा को इस्तेमाल ज़रूर करेगी। आज लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऐप उनका डेटा चुरा रही है। वो कहते हैं कि अबे मैं कौन सा करोड़पति हूँ, मुझसे कोई क्या ही चुरा लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज की डेट की सबसे महंगी चीज़ अगर कुछ है तो वो है आपका डेटा, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन, जिसका इस्तेमाल करके आपके पसंद और नापसंद को जाना जाता है और आपको किस टाइम पर क्या पसंद है ये सब पता लगाने के बाद आपको उसी हिसाब से एड्स दिखाई जाती हैं। लेजीनेस, इंसानी दिमाग बहुत सी चीज़ों में माहिर है और आप ये भी नहीं जानते कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है। लेकिन जैसे कि एक मेटल पे एक टाइम के बाद जंग लगनी शुरू हो जाती है, उसी तरह इंसानी दिमाग की कैपेबिलिटी तब तक अनलॉक होती रहेगी जब तक आप इसे दौड़ाते रहोगे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटाइज होती जा रही है, हमारे हर काम के लिए हमारे पास कोई ऐप्स या सॉफ्टवेयर हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस या डिजाइनिंग के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और एआई डेवलपमेंट के बाद ये सॉफ्टवेयर्स और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी कम कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स काम ये सॉफ्टवेयर्स या मशीन ही कर देंगी और ये इंसानों के एवोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइसोलेशन यानी अकेलापन, किसी इंसान के डिप्रेशन में जाने का ये भी एक रीज़न होता है कि वो अकेला रहने लगता है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी कंडीशन में दूसरों से बात नहीं कर सकते तो वो वर्चुअल फ्रेंड्स या फिर वर्चुअल एआई से बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, ये आज भी एक सवाल है और आगे भी बना रहेगा। सिक्योरिटी, जब हम पूरी तरह से एआई से कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, एआई पर या फिर इंसानों पर। इस डेकेड के अंदर ही हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना लेंगे जिसकी मदद से मशीन्स आपके फीलिंग्स और इमोशंस को और भी अच्छे से समझ पाए। हम एआई में ह्यूमन इंटरनल एलिमेंट या फिर इंटरनल क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, जो कि एक तरीके से कॉन्शियसनेस ही है, उसको डालना शुरू कर देंगे। हालांकि होगा तो ये एक प्रोग्राम ही, लेकिन इनके अंदर एक प्रोग्राम्ड कॉन्शियसनेस आ जाएगी जो कि शायद एक प्रॉब्लम बन सकती है। इमेजिनेशन, ये एक पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के बाद हमारे सारे लिमिटेशंस एक छोटे से पॉइंट में सिमट जाएंगी और इमेजिनेशन इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत अब उन रोबोट्स में भी आ जाएगी। क्रिएटिविटी, ये ऐसी चीज़ है जिसे मशीन्स के लिए अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाद में शायद इनकी क्रिएटिविटी और उसे सॉल्व करने का एक लिमिटलेस रास्ता इनके पास आ जाएगा। इमोशंस, दर्द, दया, खुशी, गुस्सा, ये सब एक ह्यूमन इंटरेक्शन के एलिमेंट्स हैं। इन दिस टाइमलाइन हम अपने और कंप्यूटर्स के बीच इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन कर चुके होंगे जितना हमने आज तक कभी नहीं किया है। मिररिंग प्रोग्राम, अगर आप मिररिंग के बारे में नहीं जानते तो ये एक तरीके से दूसरे इंसान को अनइंटेंशनली कॉपी करना होता है,
यानी आप जानबूझकर उसे कॉपी नहीं कर रहे होते, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये करवा रहा होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसका कोई एक तरीका पसंद आ जाता है और आपके बिना पता चले आप उसके उस बिहेवियर को कॉपी करने लगते हो। हम इंसान सदियों से इसका इस्तेमाल आपस में इंटरेक्शन करने के लिए करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाले को दर्द हो रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाए तो आपको भी वो दर्द फील होगा, या फिर अगर आपकी क्लास में कोई खांसता है तो पूरी क्लास में से किसी न किसी को उस वक्त खांसी जरूर आ जाएगी। ये इंसानों के इवोल्यूशन के दौरान डेवलप होने वाला एक फंक्शन था। मे बी फ्यूचर में रोबोट्स के अंदर भी ये इंटीग्रेट हो जाए और बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे बन जाएं जिसमें हम इंसान और रोबोट्स के बीच कंपेयर ना कर पाएं। 2030 से 2040, दिस विल बी द एज ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई, या फिर ह्यूमन लाइक एआई, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI भी कहा जाता है। कुछ सर्वे के मुताबिक पता चला है कि आने वाले टाइम में हम हेल्थ केयर में 46%, लॉजिस्टिक्स में 41%, कस्टमर सर्विस में 38%, बैंकिंग फाइनेंस में 34%, एग्रीकल्चर, रिटेलिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में 28%। इन सभी फील्ड्स में AI इंसानों को इतने परसेंट से रिप्लेस कर चुका होगा और शायद ये 2050 तक बाकी बचे सेक्टर्स को भी रिप्लेस कर दे। साल 2045, ये वो टाइम है जिसे इंसान कहेगा टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। इस टाइम की प्रिडिक्शन करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजिकल फेस में क्या होने वाला है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब शायद मशीन्स ही एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देकर अपना काम करवाना शुरू कर दें, और अभी हमारा वहाँ तक सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन ये पक्का है कि इस टाइम AI इंसानों के बराबर या फिर इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। अगर आप मोर्स लॉ के बारे में जानते हो तो मोर्स लॉ एक ऑब्जर्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की डेंसिटी हर 2 साल में डबल होती चली जाएगी। और फैक्ट की बात ये है कि ये ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ दशकों में सही साबित हुई है। इसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसी चिप डेवलप कर लेंगे जो साइज में बहुत छोटे होंगे और ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस को एक ह्यूमनॉइड रोबोट में इंटीग्रेट कर पाएंगे, जिसके बाद हमने जो अभी तक डेवलपमेंट देखी है वो सभी की सभी एक प्रोग्राम में लाई जा सकती हैं, और यही टाइम सिंगुलैरिटी कहलाएगा। क्योंकि यही वो टाइम होगा जब शायद कंप्यूटर्स इंसानों के लेवल से ऊपर हो जाएंगे। वेल, अब 2050 में क्या होगा, सच कहूँ तो मेरी ये रिसर्च 2045 में आकर ही खत्म हो जाती है। इसके आगे प्रेडिक्ट करना अभी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी आपको नहीं बता सकता जैसा कि दूसरे YouTube चैनल्स में आपको देखने को मिलता है। मैं चाहता तो यहाँ पर आपको कुछ भी ड्रामेटिक बता सकता था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करता हूँ। अब भले ही वो इंटरेस्टिंग हो या नहीं, लेकिन वो सच्चाई के बेहद ही करीब होती है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यार, आप वीडियोस को शेयर नहीं करते, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ और आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है इसको लाइक करके शेयर करने का, तो यार प्लीज इतना तो कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।